आज है वैलेंटाइन और ये अभी तक सो रहा है, तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ बनाया जाए। शुरुआत करते हैं मीठे से, और ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविचेस की प्रिपरेशन करके रखी हुई है। तो शुरुआत करते हैं नई जिंदगी की। और इस चैनल पे भी अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है ना, हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, तो जरूर बताना। और शादी करी व्लॉग्स जाके भी देख सकते हो, पूरी शादी के व्लॉग्स डलने शुरू हो गए हैं। तो अभी हम लोगों ने कढ़ाई रख दी है, सबसे पहले डालेंगे हम इसके अंदर घी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो आप सबकी मिथ को मैं खत्म करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया खाना बनाना भी आता है, खाना भी आता है। खा खा के ना सीख गई हूँ कि कैसे बनाना, और एक से एक धुरंधरों से मैंने सीखा है। घी को हमने कर दिया है गरम, ठीक है। देखो 2 मिनट में अभी हमने फ्लेम कर दिया मीडियम। जैसे ही घी गर्म होगा ना, इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से भून के ना निकाल लेंगे। फिर देखो थोड़े से बादाम डाल लेते हैं। आज ऋषभ, हम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, शौक हो जाएगा, क्योंकि 14 दिन हो गए हैं शादी को। और नीचे हम लोगों ने जब पहली रसोई करी थी, तो उसमें पूजा हुई थी पहले, और उसके बाद पूड़े बनाए जाते हैं इनके घर पे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके घर में जब पहली रसोई होती है तो कौन सा ऑथेंटिक आइटम बनाए जाते हैं। सबके घरों के अलग अलग रिचुअल होते हैं, तो यहाँ पे बनवाए गए थे मुझसे पूड़े। और अभी मैंने सोचा कि ऊपर मैं फर्स्ट किचन में हम लोग फर्स्ट टाइम कुछ बनाए, तो ये बनाए सूजी के हलवे से शुरुआत करेंगे। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं फ्राई, इसको निकाल लेते हैं आराम से। देखो गोल्डन ब्राउन हो गए ना, गोल्डन ब्राउन होते ही निकाल लेना, वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा। आप लोग मुझे पहली बार बनाते हुए देख रहे हो, या तो मेरे को हमेशा आप रेडी टू ईट बनाते हुए देखते थे, आज शादी के बाद पहली बार चूल्हा जला है, गैस जली है, और हम लोग इसका भोग लगाएंगे सबसे पहले भगवान जी को, उसके बाद सारे घर वालों को मैं खिलाऊंगी, सबके रिव्यू लूंगी। बहुत रिव्यू दे दिए, इस बारी है रिव्यू लेने की, और मैं एक्साइटेड हूँ ऋषभ का रिएक्शन देखने की, क्योंकि वो उसे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो आई विल प्रूव हिम रॉन्ग। देखो हमने ना अभी किशमिश नहीं डाली थी, किशमिश हम अब डालेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है, तो हम इसमें जल्दी से डाल के हल्का सा हिला के, और ये देखो इसको निकाल देंगे जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जल जाए। और अभी इसके अंदर जितने फ्लेवर्स हैं ना, वो आ चुके होंगे। तो घी मैंने एक कटोरी लिया था, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर दिए थे, और अब मैं सूजी डाल देती हूँ उसके अंदर। और ये हमने मोटी वाली सूजी ली, और इसको ना बढ़िया तरीके से पकाना है। क्या मस्त, मम्मा ने एक ट्रिक बताई थी मुझे कि अगर आप सूजी के हलवे में गरम उबलता हुआ पानी डालोगे ना, तो उसके पकने की स्पीड डबल हो जाएगी, और मैंने हमेशा ये ट्रिक मम्मी को करते हुए देखा है। आज मैं नॉर्मल वाले ट्रिक से बनाऊंगी, जैसे ऋषभ की मम्मा ने मुझे समझाया था। खुशबू बहुत बड़ी आ रही है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ कि आप सूजी डालने से पहले प्लीज़ इसे छान लेना, मैंने पहले से ही छान के रखी हुई है। अभी इसको हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देना है, देन वील ऐड शुगर, और उसके बाद हम डालेंगे पानी। और ये बहुत सिंपल टेक्निक है, बस आपको इसको हिलाते रहना है, और मीडियम फ्लेम पे इसको आपको पकाना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी ना एक बार, तो फिर आपका पूरा हलवा खराब हो जाएगा। जब तक वहां पर हमारी सूजी भुन रही है, तब तक हम लोग 4 कटोरी पानी ले लेते हैं। जिस वाली कटोरी से आपने सूजी ली थी ना, उसी से आपको 4 कप एक्स्ट्रा पानी लेना है, तो ये मैंने ले लिया है। बता रही, खाना जितना आसान है ना, बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। अभी ये हल्का सा कलर इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, और आप प्लीज मीडियम फ्लेम पे इसे बनाना। अब देखो इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, और मैं इसे ज्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि ये डार्क ब्राउन हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा। तो अभी हम लोग इसको इसके अंदर डालते हैं हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। अब डालते हैं हम अपनी चीनी, जितनी कटोरी सूजी उतनी ही कटोरी चीनी आपको लेनी है, और अब ये पिघलना शुरू हो जाएगा। रेसिपी बहुत सिंपल है, इनके घर में इलायची पाउडर नहीं था, तो वो मैं स्किप कर रही हूँ, आप डाल सकते हो। और हाँ, आपको आप लोगों ने बताया कमेंट सेक्शन में इतने टाइम से कि मैम कोई साड़ी में वीडियो बनाओ, साड़ी में वीडियो बनाओ, तो आज स्पेशली आप लोगों के लिए साड़ी पहनी है मैंने। स्पेशल ओकेजन के लिए मैंने साड़ी रखी हुई है, नहीं तो आप मुझे ज्यादातर सूट और जींस टॉप पहले वाली प्रियंका ही देखोगे। खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है। अब आपको इसको पकाते रहना है, हिलाते रहना है, ये सूजी डबल हो जाएगी, फूल जाएगी, और बढ़िया हलवा रेडी हो जाएगा। अभी इसको हमें पकाएंगे काफ़ी देर तक, हिलाते रहेंगे, और जब इसका पानी ड्राई होने लग जाए, थोड़ा सा 2 मिनट और हिलाना है, उसके बाद आपका हलवा हो जाएगा रेडी। जब तक ये पक रहा है, मैंने सैंडविचेस की प्रिपरेशन कर दी है। एक बड़े से बाउल में मैंने पत्ता गोभी ली है, प्याज ऋषभ कम पसंद करता है, तो मैंने उसे प्याज नहीं डाला है, पनीर डाला है, क्रीम डाली है, काली मिर्च थोड़ी सी,
कूट के स्पेशली फ्रेश, क्योंकि जो काले मिर्च कूट के आप फ्रेशली डालते हो ना उसका फ्लेवर ही अलग होता है, बनी बनाई का तो स्वाद और खुशबू दोनों ही उड़ जाती है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है चाट मसाला, नमक और अच्छे से मिक्स कर दिए ब्रेड पे दोनों तरफ घी लगा के, मक्खन भी लगा सकते हो पर मैंने दोनों तरफ घी लगा के इसकी फिलिंग को कर दिया है रेडी। अभी हम लोग इसको कर देते हैं ऑन। अभी इसको मुझे टोस्ट करना है और फिर ऋषभ के लिए लेके जाऊंगी गर्मा गर्म हलवा और गर्मा गर्म क्रिस्पी सैंडविचेस। सो नाउ इट्स रेडी और जैसे जैसे आप इसको रखोगे ना ये वैसे वैसे और ज़्यादा थिक होता जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले लगाएंगे भोग, ठीक है। और कुछ इस तरीके से बनाया जाता है 200 रुपये सैंडविच को 2000 की। ये देखो कुछ नहीं करना, बस प्रेजेंटेशन करनी है ढंग से और यही बिकेगी आपको 5 स्टार्स में, यही प्लेट मिलेगी कम से कम तो 2500 की। सो इट्स अ वैलेंटाइंस डे और ये मैंने कर दिया है रेडी। अभी लेके जाते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। हेलो हेलो, ओए गुड मॉर्निंग ऋषु, खड़ा हो जा। क्या कर रहा है यार, व्हाट आर यू डूइंग? मैं देख रहा था तुम्हें लेमनाडी सरप्राइज बना के लाई है। तुझे पता है और क्या खुशबू आ रही है, बता क्या बना है। देखो पहले हम सूजी के हलवे से ही स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रहा था नीचे बन रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। किस है? बढ़िया यार, सही में मीठा एकदम एप्ट। देखा एक कटोरी एक वो, हाँ एक एक कटोरी का हिसाब बढ़िया रहता है, हमेशा आराम से खाऊंगा। बट ये मेरे फेवरेट है भाई सैंडविचेस ना, पनीर वाले बिना प्याज के, हल्की सी क्रीम, हल्का सा तंदूरी, सॉरी गार्लिक मेयो डल जाए अंदर। मुझे को गार्लिक मेयो काफी ज्यादा पसंद है, आप चाहो तो केचप भी डाल सकते हो। वाह गिरा दिया, इसीलिए मैं अखबार में छाती हूँ हमेशा खाने से पहले। मजेदार है भाई, मैं भी खा के देखूँ क्या। ऋषभ को तो पसंद आ गया, लेट्स सी ऋषभ के घर वालों को पसंद आता है या नहीं। तो सबसे पहले पापा जी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मम्मा सब है। हमने बनाया फोटो क्यों खींच रहा है? खा के देखो एक, खा के देखो और बताओ कैसा है। वाह वाह बेहतरीन, डिलीशियस। जय हो जय हो। पक्का 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 नंबर और 9 1 चल 10 ही लगा। नहीं नहीं ना ना ना, बढ़िया बना है। गुड मॉर्निंग, सच में मेरे तो गुड मॉर्निंग हो गई। ये देखो मैंने बनाया ऊपर, और भूनना चाहिए था ना थोड़ा। अरे ठीक है ना, ऐसे बोल रही थी, थोड़ा सा और भूनना चाहिए था। हाँ। खाने में बहुत टेस्टी है, मीठा ठीक है, मीठा ठीक है। ड्राई फ्रूट जो इसने फ्राई करके डाले हैं उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। क्या आ रहा है, आखिरी बात तो दे दे। और मुझे लग रहा है कि इसने थोड़ा कटोरी में मुझे कम दिया है, और देना चाहिए। ये रहा बड़ी वाली कटोरी में। 10 में से कितने नंबर? 1 नंबर भूनने के काटूंगी, बाकी 9, 10 में से 9 नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट में मुझे जरूर बताना और ऐसी वीडियोस हम लोग और लेकर आते रहेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने सबसे पहले क्या बनाया था अपनी रसोई में, या आपने बचपन में सबसे पहले क्या बनाया था, ठीक है, और हमें क्या बनाते हुए देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपसे लोगों से मिलती हूँ किसी और नए वीडियो में, घर वालों के साथ, इन सब के साथ।